नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं कि यह हमारा वैक्यूम प्रेसिंग टेबल है, सिंगल फेस हो या थ्री फेस हो, कोई भी हो। तो इसका जब रॉकर स्विच बंद करते हैं तो इसका इंडिकेटर जलता रहता है। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ। जैसे इसको हम रॉकर स्विच ऑफ की तरफ ले जाते हैं, फिर भी ये इसका इंडिकेटर जलता रहता है, तो इसी इंडिकेटर को बंद करना है हमें। तो आप पूरी वीडियो हमारे ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में हो जाएगा। तो देख रहे हैं कि जब हम सही कनेक्शन इसका इस तरह के है, सही कनेक्शन ये है कि जैसे ही रॉकर स्विच का बटन ऊपर की तरफ ले जाएं तो इंडिकेटर बंद होना चाहिए। तो इसी समस्या का समाधान करने के लिए इसका कनेक्शन कैसे होगा, तो यह बताने के लिए मैं यह वीडियो बनाया हूँ। तो ये बंद नहीं हो रहा है, बंद हो गया। अब दोस्तों क्या करना है, जो रॉकर स्विच के स्विच हैं, रॉकर स्विच की जो तार हैं उसमें देखोगे चार तार लगे होंगे, तो ऊपर के दो तार निकाल के नीचे वाले टर्मिनल पे लगा देना है और नीचे वाले के दो तार निकाल के ऊपर वाले टर्मिनल पे लगा देना है, क्योंकि हमारा जो फेस आ रहा है वो नीचे वाले टर्मिनल पे आ रहा है, वो गलत है। जब आप इंटरफेयर कर देंगे तो आपका रॉकर स्विच की लाइट बंद होने लगेगी। अब खाली ये न्यूट्रल, मतलब जो इसमें दो रेड वायर लगे हैं और दो आपके येलो तार लगे हैं, तो इसको ऊपर निकालना है, नीचे लगा देना, नीचे वाला वायर निकाल के ऊपर लगा देना है रेड वाला। अब फिर जो येलो वाला है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ, देखो जो येलो वाला है नीचे वाला तार ऊपर लगा दो, ऊपर का नीचे लगा दो, तो आपका कनेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसी तरह हम भी करके आपको दिखा रहे हैं। ये ऊपर वाला नीचे लगा दिया और नीचे वाला तार ऊपर लगा दे रहे हैं। तो इस प्रकार से आपका रॉकर स्विच का कनेक्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलो मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ, क्या ऐसा करने से रॉकर स्विच पे हो गया। हाँ दोस्तों, जैसे स्विच को ऑफ करते हैं सप्लाई कट गई, तो इस रॉकर स्विच के इंडिकेटर की भी सप्लाई कट गई। देख रहे हैं, अब थोड़ा सा प्रकाश कम करके आपको दिखाना चाहता हूँ, लाइट इसमें कम दिख रही है। चलो ये देखो ऑन ऑफ हो रहा है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।